में वो एक हिंदी चैनल चालू कर रहे हैं मेरी तरफ से। के ब्याज दरें बढ़ाने से बाजार में बिकवाली का दौर। निफ्टी करीब 150 अंक गिरकर 17,600 के नीचे। बैंक निफ्टी में भी 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट। एफएमसीजी और मीडिया को छोड़ ज्यादातर सेक्टर्स पर दबाव। रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी। $1 का भाव पहली बार ₹80.74 तक पहुंचा। फेड के सख्त रुख और डॉलर में तेजी जारी। तेजी से दुनिया भर की करेंसी के साथ रुपए पर दबाव। देश में हर 3-4 साल में दोगुनी होगी एचएनआईस की संख्या। आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज ने कहा 2025 तक देश में 12 एचएनआईस होंगे। फोर्टिस हेल्थकेयर में 20% की भारी गिरावट। आईएचएच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दयाची की याचिका को निपटाया। दिल्ली हाई कोर्ट ओपन ऑफर पर लेगा फैसला। फोर्टिस हेल्थकेयर में 20% की भारी गिरावट। आईएचएच मामले में एप्टिस वैल्यू में 7% का उछाल। सिटी ने खरीदारी की राय के साथ शुरू की कवरेज। ₹425 का दिया लक्ष्य। टीटी के प्रेस्टीज को दूसरी छमाही में जोरदार डिमांड की उम्मीद। कंपनी के एमडी चंद्रू कालरो ने कहा दिवाली से होली तक अच्छी ग्रोथ दिखी। दो दिन में करीब 8% टूटा स्पाइस जेट। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए की सख्ती रहेगी जारी। 29 अक्टूबर तक सिर्फ 50% उड़ानों के साथ ऑपरेट करेगी कंपनी। नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं प्रियंका उपल। बाजार में आज तो बाजार में एक बिकवाली का दबाव लिया। हम गैप डाउन के साथ खुले। बाजार ने एक रिकवरी भी अटेम्प्ट की। सिर्फ माइनर से पॉइंट्स ऑफ करेक्शन रह गए थे लगभग 25-30 पॉइंट के, लेकिन उसके बाद फिर से आपको एक बिकवाली का दबाव देखने को मिला और अब आप 17,550 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। चले बाजार की पहले एक बार बड़ी बातें देख लेते हैं कि इस वक्त कौन से सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ से दबाव आ रहा है। तो बाजार में लगातार आज दूसरा दिन है जो भी गिरावट हावी है। निफ्टी के मुकाबले आप बैंक निफ्टी पर ज्यादा दबाव दे चुके हैं क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा चला भी है। बैंकिंग काउंटर्स ने अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस दिखाई भी है, लेकिन क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है, मनी मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है उसके चलते आप क्लियरली एक इम्पैक्ट देख रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स पे। आज प्रेशर भी है। एफएमसीजी हो, मीडिया हो, यही सिर्फ दो फैक्ट्स हैं जो इस वक्त आपको हरे निशान में देख रहे हैं। ज्यादातर सारे सेक्टर्स, चाहे आप मेटल की बात करें, आईटी से प्रेशर उसी तरह बरकरार है, बैंकिंग, ऑटो, सभी पे आपको इस वक्त प्रेशर दिखाई दे रहा है। रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया भी आज खुला है। लगभग खुलने के बाद और बढ़ी है ये दबाव। ₹80.74 तक का भाव अब इस वक्त रुपए का है अगेंस्ट डॉलर। और इंडिया विक्स इस वक्त 2% ऊपर दिखाई दे रही है। यूएस मार्केट्स की बात करें तो अभी कल का जो एक वहां दबाव का सेशन था उसके बाद यूएस फ्यूचर्स अब भी 70 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी बड़ी बातें हैं, इम्पॉर्टेंट अहम मैटर है, लेकिन इस वक्त जो बड़ा दबाव आपको स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है आईटी काउंटर्स में से। एम्फेसिस जैसे काउंटर्स हो, यहाँ पर तमाम जितने भी बड़े काउंटर्स हैं उन पर एक दबाव तो देखने को मिल रहा है। इसके विपरीत अगर आप देखें तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है, सेक्टर स्पेसिफिक ही मूवमेंट देखने को मिल रही है। क्रूड सॉफ्ट है तो उसकी सॉफ्टनेस के चलते एशियन पेंट्स, पेंट्स जैसे स्टॉक्स, ऑयल एंड लुब्रिकेशन जैसे स्टॉक्स, उनमें एक मूव बनी हुई है। फार्मा और एफएमसीजी पैक को हम देख रहे हैं कि वहाँ पर पिछले 2 दिन से तेजी बनी हुई है, तो वहाँ पर आज के दिन भी आपको तेजी दिख रही है। इसके अलावा कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स जो है, जो थीम भी है बाजार की बड़ी, वहां पर ही आपको सिर्फ तेजी देखने को मिल रही है। उसके अलावा बाजार में हर जगह दबाव देखने को मिल रहा है। शो में एक्सपर्ट को भी जोड़ते हैं, ध्वनि पटेल हैं हमारे साथ, उनसे समझते हैं। ध्वनि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो एक इंडेक्स पे व्यू आपसे समझना चाहेंगे। बड़े सपोर्ट 17,500 पे एक बड़ा सपोर्ट देखना चाहिए, उससे तो क्या फिलहाल अभी ऊपर है, 50 पॉइंट ही ऊपर है। आज बाजार की नजर कहाँ है? क्या सपोर्ट ढूंढने पर बाजार पर नजर होनी चाहिए
या फिर कितना डिप नीचे जाएगा और वहां बाय करना है, ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। इंडेक्स पे स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी, बैंक निफ्टी हो निफ्टी हो? गुड आफ्टरनून, निफ्टी पे यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी अभी फिलहाल बेरिश साइड की है। आज के दिन में जब हमने 17590 का लेवल नीचे की तरफ निफ्टी में क्रॉस करा है, तो वहां से एक बेरिश साइड का ट्रेड सेटअप जो है वो एक्टिवेट होता है। इसमें नीचे की तरफ जो फॉल है वो फॉल एक्सटेंड हो सकती है 17455 तक, वहां तक निफ्टी पे मेरा एक बेरिश व्यू रहेगा। इस केस में जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा, तो स्टॉप लॉस इसका हम मेंटेन करेंगे ऊपर की तरफ में 17670 पे। यहाँ पे डेफिनेटली निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी से एक फॉल यहाँ पे उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड लग रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उसमें जो ब्रेकडाउन लेवल हमें यहाँ पे मिल रहा है तो 40,565 का लेवल है। वो उस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो उसमें भी हमें एक अच्छा यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ में जो बैंक निफ्टी के टारगेट्स बन रहे हैं तो वो 40,250 का बन रहा है, और इन केस ऑफ एनी रिवर्सल ऊपर की तरफ जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो आप इसका स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी का मेंटेन करिए 40,750 पे। ठीक है, तो यानी आप निफ्टी पर तो नीचे का टारगेट दे रही हैं, आप बता रही हैं यहाँ 17400 के आसपास आप 17455 तक के लेवल आप दे रही हैं निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर भी यहाँ नीचे का लेवल है। बैंक निफ्टी पर ज़्यादा गिरावट है, लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, 600-650 पॉइंट्स की गिरावट है ये। बड़े सपोर्ट हैं ये जिनकी बात हो रही है, और ऊपर के कॉल्स पे हमने देखा भी था कल भी और आज भी सुबह राइटिंग हो रही है, तो एक रेंज में बाजार की एक्सपेक्टेशन थी। आज एक्सपायरी भी है और एक्सपायरी के चलते भी ये ट्रेड वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो क्या इसी रेंज के बीच आप निफ्टी को एक्सपायर होते हुए भी देख रही हैं ध्वनि? क्या 17400-17500 के बीच की रेंज होगी, क्योंकि रेंज भी एक बार डिफाइन कर देते हैं व्यूवर्स के लिए जो इंडेक्स पे ट्रेड लेते हैं, हीरो जीरो ट्रेड लेते हैं? जी बिल्कुल, तो अगर हम यहाँ पे निफ्टी का रेंज डिफाइन करने जा रहे हैं तो मैं ऑप्शंस डेटा का यहाँ पे सहारा लेना चाहूंगी, तो हमें 17500 और 17700 के जो कॉल ऑप्शंस है 17700 में, वहां पे एक सबसे ज्यादा राइटिंग दिखाई जा रही है, और 17500 की यहाँ पे जो पुट ऑप्शंस है उसमें सबसे ज्यादा राइटिंग देखने को मिल रही है। तो इस 200 पॉइंट की रेंज को हम लेके चलेंगे कि कल की एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दो रेंज के बीच में हो सके। एक्सपायरी तो आज ही है, थर्सडे है आज ध्वनि, और आज 17 आप बता रही हैं कि ऊपर 17700 तक के कॉल्स पे अब राइटिंग हो रही है 17, और आपको प्रेशर दिख भी रहा है, लेकिन इस बीच में कहां पर आपको ट्रेडिंग के मौके ढूंढने चाहिए, आपकी कोई इस पे पिक्स होंगी जहां पर आप मौका देख रही हैं? जी बिल्कुल, मेरी सबसे पहली पिक यहाँ पे है LTTS। LTTS में हम देख रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिवली तीन दिन से यहाँ पे एक टॉप बन रहा है, 3505 का जो लेवल बन रहा है उसके ऊपर LTTS क्रॉस करने में वहां पे केपेबल नहीं हो पा रहा है, तो LTTS में मेरी फर्स्ट यहाँ पे एक सेल की कॉल रहेगी। करंट लेवल से इसके अंदर सेल का ट्रेड सेटअप बनता है। नीचे की तरफ जो टारगेट बन रहे हैं वो 3400 तक के यहाँ पे टारगेट बन रहे हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करनी रहेगी वो 3505 की मेंटेन करनी रहेगी। दूसरा यहाँ पे मेरा जो सेल साइड का ही कॉल बन रहा है तो वो ICICI प्रूडेंशियल में बन रहा है। ICICI प्रूले में भी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ पे एक बेरिश साइड का सेटअप काफी पहले से बना हुआ है। आज के दिन में इसने फ्रेश एक बेरिश साइड का जो न्यू एंट्री अगर किसी को लेनी है तो वो सेटअप एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से ICICI प्रूली में भी यहाँ पे एक सेल कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो आप 559 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनते हैं वो 532 तक के बन रहे हैं। ठीक है, तो दो सेल कॉल यहाँ से देख रहे हैं वनी, ये तो आज क्योंकि एक्सपायरी के मूव्स भी हैं और ये आपकी रिकमेंडेशन है, कुछ स्टॉक्स वो भी समझ लेते हैं जहां पर अब भी मोमेंटम है, जहां लॉन्ग बिल्टअप भी देखने को मिल रहा है। चलिए FNO के कुछ काउंटर्स डिस्कस करते हैं। और राइट, तो FNO में इस वक्त आपको कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये कुछ स्टॉक जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, कफोर्ज, हालांकि पूरे आईटी पैक पे इस वक्त आपको दबाव दिख रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ कफोर्ज जनरली एक ऐसा काउंटर भी है, अगर पूरे आईटी पैक में मिड कैप में लार्ज कैप आईटी में अगर प्रेशर होता है तो भी कफोर्ज एक डिफरेंट चाल चलता है। आज भी इसकी चाल थोड़ी अलग है, लगभग 1.5% की मूव है, और ये एंटिसिपेट भी किया जा रहा था कि एक्सेंचर के रिजल्ट जो कि आ जाएंगे, यानी हम रिफ्लेक्ट हम करना चलेंगे कल से हम रिफ्लेक्ट करेंगे इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स में आ जाएंगे 22 को आने थे, तो उससे
पहले शायद आईटी स्टॉक में एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, लेकिन कुफोर्ज में वो मूवमेंट दिख रही है, लेकिन दूसरे स्टॉक्स में अभी फिलहाल आपको सबड्यूड सी मूव दिख रही है। तो कुफोर्ज एक काउंटर है जहां पर आपको तेजी दिख रही है, मेट्रोपोलिस जैसे काउंटर है, मेरिको, क्योंकि एफएमसीजी, फार्मा ये स्पेसेस अच्छे चल रहे हैं, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक। तो क्या मेट्रोपोलिस की तेजी बढ़ सकती है, मेरिको की तेजी बढ़ सकती है, इनमें कोई आप ट्रेड लेंगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर स्टॉक स्पेसिफिकली हम देखने जा रहे हैं तो कफोर्ज में डेफिनेटली एक यहाँ पे बुलिश साइड का सेटअप बना हुआ है। ओवरऑल आईटी इंडेक्स पे अभी भी कोई भी एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। कफोर्ज को मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड में अवॉइड करना चाहूंगी। उसके अलावा मेट्रोपोलिस की भी जब हम बात कर रहे हैं तो मेट्रोपोलिस में भी डेफिनेटली हमें एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, बट कोई भी एक डिसाइसिव मूव जो बोले वो नहीं दिख रहा है। उसकी जगह यहाँ पे एक एनएमडीसी का भी काउंटर है जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। एनएमडीसी में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। उसमें जो ऊपर की तरफ के लेवल्स है वो भी काफी अच्छे दिख रहे हैं। तो करंट लेवल से एनएमडीसी एक है यहाँ पे हम लॉन्ग बिल्टअप कर सकते हैं। ऊपर की तरफ के जो टारगेट्स मिलते हैं तो आप 136 का टारगेट लेके चल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा, तो आज इसमें एक ओपन लो का फॉर्मेशन भी हुआ है, तो 128.10 के पास यहाँ पे ओपन लो का फॉर्मेशन हुआ है, हम 128 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बिल्टअप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे जो काउंटर्स है जो अच्छी मूव दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें एनएमडीसी पसंद आता है ध्वनि को, ब्रिटानिया कल से तेज है, हिंदुस्तान लिवर तेज है, क्योंकि यहाँ पर अपग्रेड्स आए थे, एफएमसीजी और फार्मा स्पेसेस अभी अच्छे डिफेंसिव बेट्स दिख रही हैं, और साथ ही ग्रैन्यूल जैसे स्टॉक, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक, इनमें अच्छी मूव है। शॉर्ट कवरिंग अबाउट का है ग्लेनमार्क, क्या आप शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से ग्लेनमार्क को या एबिट इंडिया को खरीदने की सलाह देंगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे फार्मा में हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली एक हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ग्लेनमार्क का काउंटर यहाँ पे हम स्पेसिफिकली अगर डिस्कस करते हैं तो इसमें एक स्लो मोमेंटम वाली अपवर्ड राइजिंग चैनल बनती हुई दिख रही है। डेफिनेटली ग्लेनमार्क यहाँ पे मेरी पहली पसंद रहेगी, उसको हम लोग करंट लेवल से लॉन्ग कर सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो आप नीचे की तरफ में इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 379 पे, और इसका जो टारगेट यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे इसका 401.40 तक का टारगेट बन रहा है। ठीक है, स्कॉट्स कुबोटा पे आप क्या सलाह देंगे? स्कॉट्स पे कल एक खबर भी आई थी क्योंकि वहां पर एक टॉप मैनेजमेंट रिजाइन किया, लेकिन उसके बाद आज बाजार में आप देखें तो उस स्टॉक का इम्पैक्ट, उस खबर का इम्पैक्ट नहीं है। इनफैक्ट ऑटो स्टॉक्स जो थे तो सुबह में भी थोड़ा सा सपोर्ट देने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन जो सस्टेन करे हैं मूव वो स्कॉट्स में सिर्फ किए हैं। स्कॉट्स में क्या आप कोई ट्रेड सजेस्ट करेंगे यहाँ? जी बिल्कुल, एस्कॉट्स में मेरी एक कंडीशनल कॉल रहेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों में इसकी एक जो फॉर्मेशन बन रही है तो एक बहुत ही स्लो मोमेंटम की फॉर्मेशन बन रही है। इससे पहले हमने देखा कि 19 को इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला था। तो करेंटली एस्कॉट्स में जो कंडीशन बन रही है तो हम इसमें 2130 के ऊपर अगर स्टॉक चलता है तो इसमें न्यू फ्रेश बाइंग रेकमेंड करेंगे। करेंटली इन लेवल्स पे इसमें बाइंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक रेंज बाउंड मोमेंट में चल रहा है, और रेंज का ब्रेकआउट लेवल जो ऊपर की तरफ मिल रहा है वो 2130 का है। ऑलराइट, ठीक है, स्कॉट्स कुबोटा पे ये राय रहेगी। क्या थोड़े से शॉर्ट के मौके भी ढूंढने चाहिए इस वक्त? हेज करके स्ट्रैटेजी चलना एक बेटर स्ट्रैटेजी होगी ध्वनि, क्योंकि जिस तरह से बाजार पर आज प्रेशर है, यूएस मार्केट से भी हेडविंड्स है और बाजार काफी चल भी चुका है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अभी हो सकता है, वॉलिटिलिटी यहाँ सस्टेन करे, कल एक लास्ट डे रहेगा इस बुकिंग डे का, इस वीक का, तो क्या आपको कुछ शॉर्ट के कैंडिडेट्स, कोई मेटल काउंटर्स में से वेदांता, या फिर आपको दूसरे कुछ कोरोमंडल जैसे, या फिर गैस काउंटर्स में से कोई काउंटर पसंद आता है? यहाँ पे ओवरऑल हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में एक थोड़ा सा सेल ऑफ यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, तो मेरी यहाँ पे जो सेल रिकमेंडेशन रहेगी वो मुथूट फाइनेंस में एक यहाँ पे सेल देखने को मिल रहा है। इसके अंदर अच्छी खासी एक ब्रेकडाउन भी हुआ है, जो एक रेंज बना के चल रहा था ये, उसमें आज के दिन में जो हमने एक इसकी डाउन मूव देखी है 3.5% की, उसमें यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट ऑन द बॉटम साइड दिया है। इसके अंदर मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि हम इसमें ऑप्शन सेलिंग की जो स्ट्रैटेजी होती है वो लेके चले, करंट लेवल से इसके अंदर सेल कर सकते हैं आप। इसके अंदर अभी फिलहाल 1040 का जो कॉल ऑप्शन 8.80 रुपए चल रहा है उसको सेल करिए। उसकी तरफ जो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रहेगा तो आप 11 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और एक्सपायरी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो इसके अंदर हम नीचे की तरफ टारगेट जो रहते हैं तो 3 रुपए का टारगेट लेके चले।
जी पर आपकी क्या कॉल रहेगी? इनफैक्ट ध्वनि, आज जी में हम देख रहे हैं कि फ्लैटिश मूवी है, लेकिन कल से काउंटर चलना तो शुरू है और इस पे एक्सपर्ट्स तो टारगेट ऊपर के भी देते हैं। जी की मूवमेंट कैसे देख रही हैं आप? 300-350 तक की लेवल हो रही है, बात हो रही है 300-350 तक की लेवल तो नहीं, बट मेरा इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट बनता है तो 293.50 का बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर पहले उसी लेवल्स पे हमने देखा है कि एक टॉप फॉर्मेशन हुई है जहां से हमें ब्रेकडाउन मिला था। तो डेफिनेटली जो करंट लेवल्स पे जी ट्रेड हो रहा है तो एक अपसाइड का मोमेंटम इसके अंदर बन रहा है। अभी स्टॉक फिलहाल डेज हाई से नीचे की तरफ में चल रहा है, तो इसमें एक रिवर्सल हम ढूंढेंगे नीचे की तरफ में। अगर स्टॉक यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज जो हमने बनाया है उसको क्रॉस नीचे की तरफ करने में सक्षम नहीं रहता है तो इसमें एक बाय साइड की ट्रेड बनेगी, और ऊपर की तरफ के जो टारगेट्स है वो फर्स्ट टारगेट्स आप 293.50 के लेके। ठीक है, ऑलराइट। एक और स्टॉक को ट्रैक करना चाहिए आज, उसके बाद भी होनी चाहिए, वो है फोर्टिस हेल्थ केयर का स्टॉक, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट एक न्यूज ड्रिवन फ्लो था, न्यूज ड्रिवन एक्शन हुआ आज, और अब आप 17% नीचे देखेंगे मामले। फोर्टिस और IHH का मामला था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फेवर जो वर्डिक्ट दिया है वो डाइची की याचिका को खत्म कर दिया है, और अब उसके बाद हमने देखा कि फोर्टिस हेल्थ लगभग 20% तक का नीचे का लेवल देखकर आया है, और अब आप 16-17% के पास यहाँ देख रहे हैं स्टॉक को। दानिश से एक बार ये पूरी मैटर समझ लेते हैं कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या कोर्ट में। दानिश बताएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित लेड बेंच ने डाइची की प्ली को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, और ये जो मामला था इसमें डाइची IHH और फोर्टिस की डील को चैलेंज कर रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी ऑर्डर करा है कि इस पूरे मामले पर एक फॉरेंसिक ऑडिट होगा। और जहां तक ओपन ऑफर के मामले की बात आती है, ओपन ऑफर पर जो स्टे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया है वो अभी कंटिन्यू होगा, और जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये मामला वापस दिल्ली हाई कोर्ट को रेफर हो गया है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ही फॉरेंसिक ऑडिटर्स को चूज करेगा, और साथ ही साथ जो ओपन ऑफर का मामला है उस पर भी दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले को सुनेगा। और इसका कारण ये है फॉरेंसिक ऑडिट देने का कि जब पिछले साल तक इस मामले में सुनवाई हो रही थी तो तब सुप्रीम कोर्ट में के सामने ये चीज़ नोटिस की गई थी कि उनके एक रिस्ट्रिक्शन लगाने के बावजूद भी कुछ तरह की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो उसी मनी ट्रेल को चैलेंज करते हुए और उसी मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए कि कैसे ट्रांजैक्शंस हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की रिस्ट्रिक्शन लगाने के बावजूद, तो वो फॉरेंसिक ऑडिट से सामने आएगा। लेकिन ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो इस मामले को वापस सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट को रेफर कर दिया गया है, और दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले के की डिसीजंस लेगा, जैसे कि ओपन ऑफर को स्टे कब तक उस पर कंटिन्यू रहेगा ये मामला भी दिल्ली हाई कोर्ट में सुना जाएगा, और इस पूरे ही मामले के फॉरेंसिक ऑडिट के बाद चीज़ें जो सामने निकल कर आएंगी उस पर भी एक की फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ही लेगा। लेकिन ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो टॉप कोर्ट ने डाइची की प्ली को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, मामला को वापस दिल्ली हाई कोर्ट में रेफर कर दिया है, और फॉरेंसिक ऑडिट भी ऑफर करा है, और ओपन ऑफर के स्टे की जो बात आती है वो ओपन ऑफर पर जो है वो अभी कंटिन्यू होता रहेगा। तो ओपन ऑफर के जो स्टे है वो लगा रहेगा, और इस पर बाजार ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया। आपको याद होगा कि हफ्ते की शुरुआत से फोर्टिस में अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है, वो इस न्यूज फ्लो के बेसिस पर भी हुई, और अब जब न्यूज फ्लो उस फेवर में नहीं आई तो उसके बाद हमने देखा कि फोर्टिस हेल्थ पे एक अच्छा बड़ा रिएक्शन भी आया, लगभग 17% की डाउनसाइड आप इस वक्त आज के दिन में रिएक्शन स्टॉक पर देख रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ काउंटर्स देख लेते हैं जो सेंसेक्स की इस गिरावट में सबसे ज्यादा भागीदार कौन से स्टॉक्स हैं। BSE के टॉप 100 के इस वक्त ड्रैगर्स अगर हम यहाँ देखें तो उसमें आपको सबसे बड़ी गिरावट दिख रही है क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसे काउंटर में, 3.5% की गिरावट क्रॉम्पटन ग्रीव्स में। बजाज ट्विंस अच्छे चल रहे थे, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, लेकिन बजाज फिनसर्व आज लगभग 2.5% नीचे। SBI लाइफ में गिरावट है, पावर ग्रिड यहाँ पर आपको गिरावट दिख रही है, HDFC बैंक क्योंकि बैंक्स वीक हैं और हैवी वेट जो है वो भी नीचे की तरफ है, इसलिए बैंक निफ्टी पर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। प्राइवेट बैंक्स मेजरली बड़ी वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी पर। उसके अलावा आपके दूसरे काउंटर्स लाइक हिंडाल्को हो, ऑयल प्रोड्यूसर्स हो, गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स लाइक हो, ONGC हो, गेल हो, वहाँ पर आपको गिरावट बड़ी दिख रही है, ये बड़े ड्रैगर्स हैं। इसके ऑपोजिट अगर बात करें तो आपको वहाँ पर भी जो टॉप 100 काउंटर्स हैं उसमें मूवर्स जो है वो आपको FMCG या फिर आपको फार्मा पैक से ही देखने को मिल रहा है, टाटा केमिकल, मेरिको, पेज इंडस्ट्री, टॉरेंट फार्मा, तो कंजम्पशन बेस्ड काउंटर्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर हम एक लिस्ट को देखें तो ध्वनि आज जब जुबिलेंट फूडवर्क कल से थोड़ा तेज दिखाई दिया, जो कंजम्पशन के FMCG के साथ साथ आप QSR स्पेस में भी एक्शन आप देख रही हैं क्या? जुबिलेंट फूडवर्क, नवरात्र भी खत्म होने, श्राद्ध भी खत्म होने वाले हैं, तो ये स्टॉक्स वीकेंड के आसपास वैसे भी थोड़ा सा एक्शन में आ जाते हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क्स डेफिनेटली एक अपसाइड ट्रेंड में यहाँ पे बना हुआ है। अगर हम इसको एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग इसमें देखने को मिल रही है। नीचे की तरफ में जो रेंज बन रही है तो आप नीचे की तरफ इसकी एक अपवर्ड राइजिंग चैनल है, बट बहुत ही स्लो मोमेंटम है इसके अंदर। तो वहां पे 608 का जो लेवल है वो नीचे की तरफ बन रहा है। ऊपर की तरफ जुबिलेंट फूडवर्क्स में हम 442 का जो लेवल है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो करंटली जुबिलेंट फूडवर्क्स में डेफिनेटली एक यहाँ पे बाय के जो यहाँ पे संकेत है वो डेफिनेटली बन रहे हैं, बट इसमें हम वेट करेंगे। आज के दिन में अगर ये स्टॉक हमें 628 के ऊपर एक मूव देता है तो इसके अंदर एक बाय की कॉल बन सकती है। ऊपर की तरफ जो फर्स्ट टारगेट रहेंगे तो 638 का टारगेट हम लेके चलेंगे, और जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करने रहेगी तो आप 642 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करिए। ठीक है, ऑलराइट। तो 642 का स्टॉप, 638 तक के टारगेट्स यहाँ वो देख रहे हैं जुबिलेंट फूड पे। बढ़ेंगे आगे। एक और खबर है जो अंकुर हमारे लेकर आए हैं। सरकार ने अवैध डिजिटल लेंडिंग ऐप पर लगाम लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए खास एजेंसी बनाने पर भी विचार चल रहा है। सारी डिटेल्स अंकुर के पास है, उनसे समझते हैं। अंकुर बताएं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो डिजिटल लेंडिंग पे गाइडलाइंस रिलीज कर दिए हैं, लेकिन अब सरकार भी एक्शन में आ सकती है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार कुछ कदम उठाएगी जिससे कि इलीगल डिजिटल लेंडिंग पर जो सख्ती है वो बनाई जा सके। हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक एक वर्किंग ग्रुप की, आरबीआई के वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन थी कि डिजिटा को सेटअप किया जाए और उस पर सरकार काम शुरू कर सकती है। जो डिजिटा है उसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, यानी कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसी जो एप्स को वेरीफाई करेगी, उसको वेरीफाइड स्टेटस देगी, और जो भी एप्स वेरीफाइड होंगी वही डाउनलोड के लिए यूजर्स के लिए रहेंगे, और बाकी जो अनवेरीफाइड एप्स हैं वहां पर वो उनको इलीगल कराया किया जाएगा, और साथ ही साथ एजेंसीज उन पर एक्शन ले सकती हैं। जो वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन थे आरबीआई के, उनको तीन ग्रुप में हिस्सों में बांटा है रिजर्व बैंक ने। पहला सेट जहां पर ऑलरेडी जो गाइडलाइंस है वो रिलीज कर दिए गए हैं। सेकेंड सेट ऑफ रिकमेंडेशन ऐसे थे जो इन प्रिंसिपल अप्रूव कर दिए गए हैं लेकिन उस पर अभी डिस्कशन जारी है। और तीसरा सेट ऑफ जो रिकमेंडेशन था वो सरकार से अनुरोध किया था कि आप यहां पर कुछ एक्शन लें। तो देश में हर 3 से 4 साल में के मुताबिक सरकार कुछ कदम उठाएगी जिससे कि इलीगल डिजिटल लेंडिंग पर जो सख्ती है वो बनाई जा सके। हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक एक वर्किंग ग्रुप की, आरबीआई के वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन थी कि डिजिटा को सेटअप किया जाए और उस पर सरकार काम शुरू कर सकती है। जो डिजिटा है उसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, यानी कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसी जो एप्स को वेरीफाई करेगी, उसको वेरीफाइड स्टेटस देगी, और जो भी एप्स वेरीफाइड होंगी वही डाउनलोड के लिए यूजर्स के लिए रहेंगे, और बाकी जो अनवेरीफाइड एप्स हैं वहां पर वो उनको इलीगल कराया किया जाएगा, और साथ ही साथ एजेंसीज उन पर एक्शन ले सकती हैं। जो वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन थे आरबीआई के, उनको तीन ग्रुप में हिस्सों में बांटा है रिजर्व बैंक ने। पहला सेट जहां पर ऑलरेडी जो गाइडलाइंस है वो रिलीज कर दिए गए हैं। सेकेंड सेट ऑफ रिकमेंडेशन ऐसे थे जो इन प्रिंसिपल अप्रूव कर दिए गए हैं लेकिन उस पर अभी डिस्कशन जारी है। और तीसरा सेट ऑफ जो रिकमेंडेशन था वो सरकार से अनुरोध किया था कि आप यहां पर कुछ एक्शन लें, तो ताकि इलीगल डिजिटल लेंडिंग है उस पर कर्व किया जा सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी जो लीगल एप्स हैं उनकी व्हाइट लिस्टिंग कर रही है, वो सॉर्ट आउट कर रही है, और मीटी के जरिए सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि सिर्फ वही एप्स जो ऐप स्टोर पे है वो दिखाई दें। साथ ही साथ आरओसी को भी ये सरकार ने निर्देश ऑलरेडी दिया हुआ है कि जितनी भी शेल कंपनीज हैं जो डिजिटल लेंडिंग कर रही हैं उन पर कार्रवाई तुरंत की जाए। ठीक है, बिल्कुल, शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए अंकुर। तो अवैध डिजिटल लेंडिंग ऐप पर यहाँ पर रोक लगाने के लिए और इसको इस पर थोड़ा सा लगाम लगाने के लिए कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर एजेंसीज भी बनाई गई हैं। इस खबर को बताने के लिए अंकुर शुक्रिया आपका। चले तो शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे। बाजार पर तो प्रेशर इस वक्त बढ़ा हुआ है, और उसी तरह से जिस मॉर्निंग में हमने प्रेशर ईज आउट होते हुए देखा, एक रिकवरी अटेम्प्ट होते हुए देखी बाजार में, लेकिन अभी फिलहाल लगता है कि जो गेन्स हैं ट्रेडर्स उसे, जो बियरिश ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा हावी लग रहे हैं, और ये वोलेटाइल ट्रेड मूव्स आज थर्सडे के दिन बिकॉज ऑफ एक्सपायरी भी पॉसिबल है। देखना होगा कि क्लोजिंग के लेवल्स के आसपास होते हैं। अभी 417-500 के बीच के लेवल्स की बात एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। धनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय दिया और ये सारी कॉल्स हमसे शेयर की। शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
चलिए शो को फिलहाल यही समेटेंगे। नमस्कार।